नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को 2023 के साल की ढेरों 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 शुभकामनाएं। ये शब्द जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इसको सिर्फ 4 बार बोले सुबह उठने के साथ नए साल की शुरुआत आप इन्हीं शब्दों से करें जो मैं आपको बता रही हूँ, आपका पूरा साल बहुत बढ़िया जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों, हम जिस व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं, जिस ग्रह को, जिस देवी देवता को हम उसका नाम रखते हैं, वो तमाम काम करते हैं, जो चीजें, जो वस्तुएं, जिन चीजों से, जिन कलर से वो इंसान, वो ग्रह, वो देवी देवता जुड़ा है, उससे जुड़ी हुई तमाम चीजों को यदि आप अपनी लाइफ में प्लेस दे देंगे, वो ग्रह, वो देवी देवता, वो इंसान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाता है। ये जो साल है दोस्तों, ये केतु प्रधान है। पूरा साल हर जीव के ऊपर केतु की जबरदस्त कृपा रहेगी। राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो आपकी किस्मत को चमका देते हैं। ये वो ग्रह हैं, यदि आपके ऊपर क्रूर दृष्टि कर दी तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। केतु यदि आपके खराब हुए, व्यक्ति पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है। जिसकी कुंडली में दोस्तों केतु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, वो इस साल अपनी मानसिक स्थिति का बड़ा ध्यान रखें। तरह तरह के विचार आएंगे, आप विचारों की दुनिया में घूमने लग जाएंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। शनि के साथ यदि बैठा हुआ है, आपको तरह तरह के शारीरिक कष्ट देगा, स्पेशली नाभि के नीचे वाले एरिए के तमाम प्रकार के रोग आपको लगने लग जाएंगे। ऐसे में केतु की पूजा जरूर करना। मंगल के साथ यदि केतु बैठे हुए हैं, आपका स्वभाव उग्र हो जाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, कोर्ट कचहरी के मामले लगने लग जाएंगे। तो केतु की स्थिति कैसी है आपकी कुंडली में, आप उसको जरूर देखें। केतु हर व्यक्ति के जीवन पर जबरदस्त असर लाएगा। ये आपकी मानसिक स्थिति को डावाडोल बना देता है। यदि केतु आपके खराब हो गए, आप देखना जो लोग पागल की अवस्था में जी रहे हैं, जिनका मेंटल लेवल बिल्कुल खराब हो चुका है, उनके केतु खराब है, उनके चंद्र खराब है। चंद्र और केतु है इकट्ठे, मानसिक लेवल डावाडोल होगा और होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा करें। चितकबरे प्राणियों को दाना पानी देना शुरू कर दें। केतु दोस्तों शरीर से ज्यादा मन पर असर करता है। ये साल जो है अपने देश में, भारत देश में भी जो कोरोना बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, पर हाँ दूसरे देशों के मुकाबले उतनी इफेक्ट इसकी नहीं हो पाएगी जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। केतु को इस साल आप पूरी ताकत से प्रसन्न करें, डबल कलर के कपड़े पहने, सब कुछ चितकबरा चॉइस करें, जूते सिलने वाले के वहां जाएं और दो कलर के चप्पल या जूते पहन करके आप जाएं और उसके यहां उतार करके आ जाएं। पूरा साल आपका बहुत बढ़िया जाएगा। जो उपाय दोस्तों मैं बताती हूं बहुत बढ़िया है, सिर्फ आप उसको पूरे विश्वास से करें, क्योंकि हमारे यहां दोस्तों कभी किसी को लूटा नहीं जा रहा है। जब से हमारी ये चैनल बनी है, किसी भी व्यक्ति से पूजा पाठ के बहाने या किसी भी बहाने से पैसे नहीं मांगे गए। कई यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा, जिनकी चैनलें अच्छे से नहीं चल रही हैं, वो लोग यूट्यूब उनके सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को बुरी तरीके से लूटते हैं। हम आज यहाँ पूजा करवा रहे हैं, हमारा कॉन्टेक्ट करें, हम आपकी ऑनलाइन पूजा करवा देंगे। ऐसे लोगों से बचें। जो लोग हमारे नाम से आपको लूट रहे हैं उनसे बचे। कोई भी व्यक्ति यदि हमारे नाम से आपसे पैसे मांगता है, तुरंत सावधान हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ फोन भी जब उठाए जाते हैं तो फ्री सेवा दी जाती है। कितनी ही नकली विना भदौरिया अस्तित्व में आ गई हैं, जो हमारे सब्सक्राइबरों को लूट रही हैं। कोई भी व्यक्ति हमारा नाम जैसे ही देता है कि पूजा पाठ के बहाने या किसी बहाने से पैसे मांगता है, तुरंत पहचान जाए ये व्यक्ति फ्रॉड है, क्योंकि हमारे यहाँ पैसे मांगे ही नहीं जाते, किसी को नहीं लूटा जाता। जो जानकारी आपको दी जाती है वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही दे दी जाती है। कई एक ऐसी चैनलें हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन भी आधी अधूरी दी जाती है, और आधी इन्फॉर्मेशन के लिए उनको कॉन्टेक्ट करने के लिए कहा जाता है। ये लूटम लाटी जो मचा रखी है हमारे चैनल में बिल्कुल नहीं है।
आप जो भी उपाय करते हैं उसे पूरे ध्यान से सुने समझे और उसके बाद आप उसको फॉलो करें, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हमारा ध्येय ही आपकी भलाई में है, आपको लूटना नहीं है। जो चैनल बनाते हैं सिर्फ लूटने के लिए, सावधान उनसे रहने की जरूरत है। और कमेंट बॉक्स में कोई भी नंबर जो मेरे फोटो के साथ लगा हुआ है फॉलो ना करें, क्योंकि फोटो मेरा है लेकिन जो नंबर है वो फ्रॉड लोगों का है, उनसे आप सावधान रहें। दोस्तों, इस साल सुबह उठते के साथ, क्योंकि इस साल केतु प्रधान है, आपको उठते के साथ हथेली दर्शन वगैरह करना है और उसके बाद में आपको चार बार ओम कम केतवे नमः इस मंत्र को बोलना है। उसके बाद ही आप जमीन पर पैर रखेंगे, उठते के साथ केतु को प्रणाम कर लें, आप देखेंगे पूरा साल आपका बहुत बढ़िया जाएगा। करके देखें, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।